बलम रम कोला से धल रेल गाड़िया की था। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ टेक्निकल सीओ दोस्त चैनल का ओनर। आज हमारे बड़े भाई साहब हैं जो कि संगम प्रेम राजा जी, और ये काफ़ी हमारे करीबी हैं। बट मेरे को पता नहीं था इतना पॉपुलर एक सिंगर के साथ साथ एक यूट्यूब क्रिएटर हैं। तो सबसे पहले मैं इनको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। नमस्कार संगम प्रेमी जी, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। सबको नमस्ते प्रणाम, और बहुत अच्छा सौभाग्य माना जाए कि हमारे भाई हम लोगों के क्षेत्र से रहने वाले हैं लोग, और मुझे भी पता नहीं था, जैसे इनको नहीं पता था वैसे मुझे भी नहीं पता था जी। तो सबसे पहले हम गायक संगम प्रेम राजा आप सभी को नमस्ते प्रणाम करते हैं। और कहा जाए कि मतलब इस क्षेत्र में तो मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे क्षेत्र से भाई लोग हैं, इन लोगों को भी थोड़ा सा आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए और चैनल को बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए जी। और क्यों बताइए, सब बढ़िया है भैया। और एक चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अभी आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो ये आप जो चैनल आपका है साई फिल्म रमकोला, ये कितने पहले आप खोले थे? पहले खोलने का मतलब यह है कि लगभग यहाँ 6 साल से हम काम कर रहे हैं जी जी। सिंगिंग लाइन में आपको 6 साल हो गए? सिंगिंग लाइन में तो समझिए 10-11 साल अच्छा, हो गए हमको काम कर रहे हैं। चैनल पे 6 साल हो गए जी। चैनल पे 6 साल से हम काम कर रहे हैं साई फिल्म्स रामकोला जी। अच्छा, अभी आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं? 2,04,000 लगभग होंगे। 2,04,000। अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो आपकी कौन सी है जो कि अभी आपके चैनल पे हो? एक वीडियो है मेरे चैनल पे अभी इस टाइम भी है, प्रेजेंट टाइम में 24 मिलियन का है जी जी। और वैसे तो कई मिलियन लाख में और भी वीडियो हैं सब। तो 370 धारा जब लगा था जी, तो उस टाइम काजल सिंह एक सिंगर थी जी, उन्हीं से हम लोग गवाए थे। 24 मिलियन का हाईएस्ट व्यू है मेरे चैनल जी पे जी। सबसे पॉपुलर आपका वीडियो गया था। उससे पहले जब हम पहली बार गए थे कि यदि भारत की दशा में सुधार चाहिए, फिर से मोदी की सच्ची सरकार चाहिए, तो एक कंटेंट था, वो कॉपीराइट का क्लेम आ गया उस पे, वो एक महीने में 20 मिलियन गया, जो मेरे चैनल को ही ग्रो किया, 7,000 सब्सक्राइबर से सीधे 1,00,000 तक पहुँचाया वो वीडियो। तो वीडियो कोई मतलब समय के हिसाब से जब कुछ अच्छा दिया जाएगा अपने देखने वाले लोगों को, तो चैनल ग्रो करेगा और व्यू तो आएगा ही आएगा। अच्छा भैया, आपको सिंगिंग लाइन में है तो फिर अभी काफी पॉपुलर क्रिएटर से मिले होंगे, उसमें से कुछ का नाम बता सकते हैं जो कि हम अपने यहाँ पे एडिट करते समय शो करेंगे, इन साथ मिले हैं भैया जो भी पॉपुलर क्रिएटर हो, गायिका हो, उनसे? तमाम लोग गायक क्षेत्र में तो तमाम लोगों से मिले हैं जी जी। जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में रितेश पांडे जी से, मतलब इसी क्षेत्र में हम घूम रहे हैं 10 साल में, तो तमामों लोग से मुलाकात हुआ है, रितेश पांडे जी से, कल्लू जी से, और प्रमोद प्रेमी जी से, शिल्पी राज जी से जी जी, और मास्टर विकास जी से, मेरे बड़ी अजीज बड़ी करीबी इस क्षेत्र में कोई है तो मास्टर विकास जी हैं जो पवन सिंह के शिष्य हैं, मास्टर गोलू राजा के साथ कार्यक्रम किए हैं, यहाँ कस्याम रितेश पांडे जी आए थे। जैसे इस जिले में कोई कार्यक्रम होता है तो लगभग ये आप लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है कि हमको बुला के, कोई भी बड़ा स्टार आता है तो कार्यक्रम का शुरुआत हमसे कराते हैं लोग, मंच का शुभारंभ हम करते हैं, 2-3 भजन गा के और उन लोगों का स्वागत करते हैं। तो तमामों लोग से, तमामों लोग के मंच पे काम किए हैं, खेसारी भैया के मंच पे और राकेश मिश्रा जी के मंच पे जी, गजेंद्र भैया, गजेंद्र शर्मा पियक्कड़, अनुपमा यादव जी हैं जी, सारे लोग के साथ काम कर चुके हैं। तो इस बात का बस खुशी है कि हम मेहनत किए तो अच्छे अच्छे लोग मिले जी, अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिला। अब बाकी तो जीवन भर आदमी काम करेगा, जब तक स्टार नहीं बनेगा तब तक, स्टार होने के बाद भी मेहनत करना है, काम करना है। अच्छा भैया, आपका ड्रीम क्या है कि मतलब मैं कब तक, क्या जैसे अभी तो आप गाना, आपका वीडियो अभी आने वाला है ना? वीडियो तो कई गो आ गया है, अभी तो मैं जा रहा हूँ इस टाइम 10 या 12 तारीख को जाएंगे दिल्ली, फिर मेरा भी वीडियो शूट होगा, जो अवधेश प्रेमी जी का काम करते हैं वीडियो का जी जी, वही मेरा भी वीडियो का काम करते हैं जी जी। तो पी कृष्णा नाम से उनको लोग जानते हैं, तो उन्हीं से पूरा वीडियो शूट करवाते हैं, अपने स्टूडियो का अपना भी जी। ये तो हो गया आपके काम के बारे में, अभी आप सिंगिंग कर रहे हैं, अच्छा इसके साथ साथ और क्या करते हैं? माने आपका स्टूडियो है जो कि साई फिल्म रमकोला के नाम से चलता है, तो अभी जैसे मानिए तो आपका स्टूडियो हो गया, सिंगिंग लाइन हो गया, इसके मतलब अलावा और कुछ भी करते हैं? जैसे
अब थोड़ा सा पीछे से मैं आपको बताता हूँ कि अपने कैरियर के बारे में, जब मतलब हम अपना गायकी शुरू किए तो हर जगह पे, इससे पहले बहुत अच्छा स्टूडियो है गोपालगंज में, अपना गुरु मानता हूँ और बड़े भैया भी हैं आर्यन गुप्ता जी, तमाम लोग उनका नाम जानते हैं कान्हा म्यूजिक के नाम से, उनके वहाँ मैं सीखा 3 साल तक और वहीं से गाया। वहाँ से जब गाया तो पैसा तो मान लीजिए स्टूडियो जिसका है वो तो पैसा लेगा ही लेगा, पैसा लग रहा था जब भी कोई गीत गा रहे थे तो पैसा लग रहा था, तो मुझे बहुत वो हो रहा था कि इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से जी। हर गाने पे उस टाइम ज्यादा पैसा, अब इस टाइम तो 1,500-2,200 में स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन उस टाइम जब एक गाना हम रिकॉर्ड की कराते थे वहाँ पे तो 5,000 रुपया लगता था, और आज भी आर्यन भैया के पास एक गाने का 5,000 रुपया लगता है जी जी। तो यही बात है ना, तो इस 200 वाला स्टूडियो मुझे उस टाइम भी मिला होता तो हम वहाँ रिकॉर्डिंग कराए होते, स्टूडियो तो खोले नहीं होते, लेकिन पैसे का वो किल्लत परेशानी देख के हम अपना स्टूडियो डाल लिए, 1.5-2 लाख रुपए में स्टूडियो अपना बनवा लिए, उसके बाद यही काम करना शुरू किए, चैनल भी बढ़ने लगा और 2-4 रुपए का आने का वो मिल गया, उसके बाद अपना स्टूडियो तो खुद गाने का भी सिस्टम हो गया। अच्छा, अभी तो मानिए आप भी एक स्टूडियो यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप एक पर गाने का चार्ज कितना लेते हैं, जैसे ऑडियो गाना हो गया उसका चार्ज? जैसे गाने का सिस्टम है कि हमारे पास कोई अच्छा कलाकार है तो उसको फ्री भी गवा देते हैं जी जी। अच्छा, और जैसे जनरल रेट जो हमारे वहाँ का है, जैसे मान लीजिए 3 कैटेगरी का हमारे पास काम होता है, जैसे बिल्कुल नया काम होता है, और जैसे कल पवन भैया का गाना आ गया आराम में दोबारा तुरंत आया, और आज कोई लड़का उसका गाएगा तो हम नया म्यूजिक 1500 में बनवा के गवाते हैं, बिल्कुल नया गाएंगे तो 2000, और जो आज मार्केट में बज रहा है उसको गवाते हैं तो 1500, और जो मेरे पास ट्रे का लेवल है, जैसे इससे पहले कल कोई गाना रिकॉर्ड कर दिए परसों किए हैं तो उसको जब गवाते हैं तो 1000 रुपये हम गवाते हैं, उसमें गवाते हैं पोस्टर डिजाइन करा के यूट्यूब पर डाल के पब्लिक करके पूरा। अच्छा, ऑडियो के साथ साथ वीडियो पे भी वीडियो का भी काम होता है, वीडियो का चार्ज कितना होता है? हाँ, वीडियो का काम जैसे ये है कि जैसे वीडियो का कैटेगरी है, कई कैटेगरी है, जैसे जिस ब्रांड में आप चाहेंगे जिस तरीका से चाहेंगे उस तरीका से, जैसे 2000 में भी काम हो रहा है, 2500 में भी हो रहा है, 3000 में हो रहा है, 4000 में हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 10,000-15,000 का वीडियो हो रहा है। अब तो जिस हिसाब से आप पैसा लगाएंगे उस हिसाब से उसमें लोग लगेंगे, उस हिसाब से बैकग्राउंड लिया जाएगा, उस हिसाब से कैमरा लगाया जाएगा, उस हिसाब से एक्ट्रेस एक्टर लोग लगाए जाते हैं, तो पैसा तो जहाँ ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपकी स्टूडियो से, अभी तक आप अपनी स्टूडियो से कितना कमा लिए होंगे, जितना मैं आप बनाए थे स्टूडियो तक निकल गए होंगे कि नहीं? नहीं, कमाने की बात तो छोड़ दीजिए, कमाने का अनुमान कहाँ कोई लगा पाता है। हाँ, ये तो कमाने का अनुमान कोई नहीं लगा पाता है। अच्छा, आपके उससे ज्यादा भी कमा लिए होंगे और नहीं भी कमाए होंगे। हाँ, ये तो अनुमान नहीं लगा पाए जी जी, ये तो है। लेकिन इसमें ना स्टूडियो वाला काम ऐसा होता है, कभी कुछ घटता है कभी कुछ, बस यही बात है। जैसे उस टाइम 1.5 लाख का स्टूडियो था तो आज 2.5 लाख का हो गया है, अब कल 5 लाख का हो जाएगा। इसके बाद अपना बगल में जमीन लिए हैं यहीं पे मथुरा नगर में, दूसरा जमीन ले लिए हैं धर्मसंधा मंदिर के पास, तो अब अपना स्टूडियो और ब्रांड तरीका से काम करने का वो है बस। अच्छा, तो आपका चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइब है, तो चैनल से तो अर्निंग होता होगा ना? वो तो होता है, तभी मतलब ऐसे तो मतलब गाइडलाइंस होता है कि आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं यूट्यूब का। हाँ, बट एक ये बता सकते हैं कि हाँ इतना मैं कर लेता हूँ कि एक मंथ में, या मैं यूट्यूब के इनकम से ले सकता हूँ चैनल के थ्रू या स्टूडियो को छोड़ के। चैनल का मतलब यह है कि समझिए कि जब आपका वीडियो का व्यू आएगा तभी आप पैसा कमा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप मिलता है? जैसे हम सबसे हाईएस्ट महीने का कमाए 21,000 रुपए तक जी जी, तो उस तरीका से व्यू आएगा तभी कमाएंगे। हाँ, ये तो व्यूज को। अच्छा, स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं यूट्यूब पे, तभी आपको कोई ब्रांड कॉन्टेक्ट किया जैसे कि नहीं? मतलब जैसे प्रमोशन करते हैं ना बहुत लोग, ऐप का चाहे कंपनी मेल करते हैं कि मेरा ये चीज इसको प्रमोट कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा हम मेल तो कभी हम देखते नहीं है जी जी। हाँ, केवल जैसे यूट्यूब पे डालते हैं बहुत एडसेंस आपकी कमाई, बस एडसेंस है वनली वन, या एफिलिएट मार्केटिंग अभी नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, बस स्टूडियो से, बस स्टूडियो गूगल एडसेंस से। और जैसे मान लीजिए हम लोग स्टेज का भी काम, इतना लोड रहता है हमारे ऊपर कि समझिए मत, घर से सुबह उठते हैं, सुबह उठे
फ्रेश हुए, नहाए धोए, उसके बाद स्टूडियो में 9 बजे आए, 9 बजे से अपना म्यूजिक का काम, गाने लिखने उखने का काम, सिस्टम उस्टम जो भी है अपने वहाँ बैठाई के लोग काम करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, लड़कों का गाना मिक्स करते हैं, उसमें अपना भी मिक्स करते हैं, अपना भी काम करते हैं, शाम हो जाता है उतना टाइम में, उसके बाद गाना यहाँ से लेके जाते हैं तो समझिए 8 बजे खाना वाना खा के फिर बिस्तर पे सोते हैं, उतना टाइम में रात में 12-1 बजे तक अपना वीडियो एडिट करते हैं, गाना जो लड़के का ले गए उसका पोस्टर एडिट वेडिट करके यूट्यूब पे डालते हैं, और कई जैसे मेरे पास 2 चैनल है तो एक पे तो स्टेज शो का डालते हैं जी, और दोनों चैनल को मेंटेन करना रहता है तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है कि इतना ज्यादा आदमी जी। अच्छा स्टेज शो के भी आप लोग चार्ज करते हैं ना जी? स्टेज शो के लिए तो हाईएस्ट चार्ज कितना किए थे आप, कहाँ पे? अभी तो ये समझिए यहीं पे अपने रामकोला में काम किए थे, अब बाकी तो उस तरह का रोज काम होता है। अभी एक अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए थे, माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत में कार्यक्रम मेरा हुआ था, तो उसका पूरा ठीका हुआ था एक ही साथ 1,60,000 रुपए में। अच्छा, यहाँ शंभू चौधरी जी के वहाँ विधायक जी के वहाँ तो भैया शिव भैया थे, वही मैनेज किए थे पूरा कार्यक्रम, तो अपने हिसाब से वो मैनेज करते हैं लोग, और कम से कम में भी काम होता है, ज्यादा से ज्यादा में भी होता है, जिस हिसाब का पार्टी, हाँ जिस हिसाब का पार्टी मिलेगा। अब लोग कहें कि पवन सिंह से कार्यक्रम कराना है और हम अपना कार्यक्रम 1,00,000 में करते हैं, पवन सिंह से लोग कराए तो 1,00,000 में थोड़ी होगा, तो बस वही बात है जिस हिसाब से लोग मांग करते हैं उस हिसाब से। अच्छा एक चीज और बताइए कि अभी ये स्टूडियो का काम या जो मतलब स्टेज शो होता है ये सब अकेले मैनेजमेंट करता है कि आपकी टीम भी है इसके पीछे? टीम तो है, मान लीजिए बजाने वाले लोग बाहर से आते हैं, कभी गोपालगंज से आते हैं, कभी हाटा से आते हैं लोग, कभी चौरी चौरा से आते हैं लोग, देवरिया से हैं, गोरखपुर से हैं लोग, तो बजाने वाले लोग जैसे इधर उधर के रहते हैं लोग, इतना लोग अपने पास कहाँ रह पाएंगे लोग। प्रॉपर मतलब कितने लोग हैं आपके साथ में जैसे हमारे स्टूडियो में काम करते हों? स्टूडियो में प्रेजेंट टाइम में काम करने के लिए 7-8 लोग लगभग हैं, एनी टाइम जैसे आते जाते रहते हैं लोग। हाँ वैसे तो काम तो मान लीजिए यहाँ पे 2-3 ही लोग करते हैं एनी टाइम, हम हैं, काजल है, एक बाबू कुणाल है, तो 3 लोग हरदम रहते हैं यहाँ पे ऑलरेडी। एक यहाँ पे श्याम देव प्रजापति बाबा जी हैं, वो भी रहते हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट रहता है किसी काम के लिए। रिकॉर्डिंग तो हमको ही करना है, हम नहीं रहेंगे तो कायल करती हैं, रिकॉर्डिंग करके बाकी तो मिक्सिंग का काम, एडिटिंग का काम सारा तो मेरा ही लोड रहता है। चलिए भैया आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हम लोग नए सीखे, और जिस तरह आपका चैनल ग्रो हो रहा है, आपकी वीडियो चले उस हिसाब से चले तो बहुत आगे तक आप जाएंगे। एक चीज़ है मैं आप कहना चाहूँगा कि अपनी कुशीनगर का नाम तो करना है, चाहे किसी माध्यम से हो, गायकी के या एक्टर के अभी कुछ भी, ठीक है? कुशीनगर की बात की है तो अभी याद आ गया, जैसे अभी मेरा कल एक गाना रिकॉर्ड हुआ है और चैनल पे पड़ा भी है जी, जैसे एक बहुत ब्रांड बज रहा है गाना दिनेश लाल यादव जी का, निरहुआ जी का, ए पिया हमके बनारस घुमाई दा, तो हम सोचे कि मेरे कुशीनगर में बनारस का गाना बज रहा था, उससे अच्छा क्यों नहीं हम कुशीनगर पे ही उसको कर दे कन्वर्ट, तो अभी मैं ये गाना कन्वर्ट किया हूँ, ए राजा हमके कुशीनगर घुमाई दा, तो उसको बहुत अच्छा मिक्स भी हुआ है, बहुत अच्छा उसको किए हैं, कल छोड़े चैनल पे और लगभग पिकअप पकड़ लिया है। तो कुशीनगर पे एक गाना और गाए थे हम, कई गाना गा चुके हैं, अब जैसे शिल्पी राज जी का बंगलिनिया आया था तो उसको हम कन्वर्ट कर दिए थे कुशीनगर में आई बंगलिनिया, तो उसका भी बहुत अच्छा चला गया, तो ऐसे ऐसे है सब। हाँ, तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे कवर करते तो अच्छा खासा जाता है, हमको ये देखना है कि क्या आज मार्केट में आ रहा है, तो ये चीज है, बस उसको जब हम लोगों के बीच में देंगे तो काम अच्छा होगा, चलेगा। अच्छा ये तो हो गया, और एक चीज है कि आप सिंगिंग के लाइंस हैं उसके साथ साथ क्रिएटर भी हैं, तो एक जो आपका पॉपुलर गाना हो, सबसे फेवरेट गाना हो, मेरे दर्शकों को एक गाना सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं क्या? गाना तो कोई भी सुना सकते जो बेटर लगे आपको, एकदम करीबी हो, सबसे मतलब अच्छा आपका गाना हो। ये तो हाँ, वे तमाम गीत गाए, इतना गीत गा दिए हैं कि समझिए याद नहीं रहता है, जब तक आदमी ये देखता नहीं है कि हमको क्या गाना है तब तक क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या गाए। जैसे हम बहुत जब पहली बार अपना गाना गाए थे, पूरा जीवन का सबसे पहला गाना हम बता रहे हैं कि एक गीत गाए थे कि बलम रमकोला से धौल रेलगड़िया जी। हाँ उस टाइम यूट्यूब का बहुत वो जमाना नहीं था, MP3 का जमाना था, तो हम लोग घूम घूम के हर दुकान पे अपना गाना दिए थे और लगभग इस कुशीनगर जिले में हर जगह वो गाना बजा, तो उसका थोड़ा सा मुखड़ा बताते हैं, बाकी तो बहुत गीत है, आज का भी गीत है और कल का भी गीत है। मथवा पे बानी के पगड़िया अरे बानी के पगड़िया अरे बानी के पगड़िया नू हो
बलम रम कोला से धल रेल गड़िया की थावे के नगरिया चल हो। बलम रम कोला से धल रेल गड़िया की थावे के नगरिया चल हो। भैया आवाज में तो दम दमदार। अगर मतलब ऐसे सपोर्ट बस आपकी आवश्यकता है सपोर्ट की, तो ऐसे आवाज़ मस्त है और गाना भी आपका मस्त। मैं पहले सुना था और ये जो आप गाना गाए ना, एक बंदा स्टेटस लगाया था कल या परसों में, हम देखे तो कहें अरे यार ये तो मतलब रम वहाँ पे जानते हैं ट्रेन का यहाँ पे बनाया था और ऐसे लगाया था, हम कहें रमकोला गाना चले यार काफ़ी अच्छा लगा। वो भी मैं स्टेटस कहें चलो सेंड भी करो, मैं भी अवे लगाता हूँ, अच्छा लगता है ये सब गाना अपने। बात है कि अभी रेगुलर काम चल रहा है, रात में भी कार्यक्रम था पडरौना में, शादी का कार्यक्रम था, तो आदमी पूरा रात जगा रह रहा है, तो गाने में भी उस तरह वो नहीं होता है। अभी नींद भी पूरा नहीं हुआ, लग रहा है कि नींद आ रहा है अभी भी। तो नवरात्रि से आज तक लगातार काम हो रहा है, रोज मंच पे काम हो रहा है और सभी पब्लिक का आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग कलाकार बस हाँ व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये लोग चाहते हैं तो रात चाहे, हाँ आप लोग चाहे तो रातों रात आदमी स्टार हो जाए तो हीरो हो जाए और रातों रात जीरो भी हो सकता है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आदमी आगे जाएगा, बस आपकी सख्त सपोर्ट की जरूरत है। भैया हमारे ही क्षेत्र से हैं और अच्छे गाने गाते हैं और इनका नाम भी काफ़ी पॉपुलर है, ऐसा यह नहीं है कि काफ़ी कम दिन से नहीं, काफ़ी पहले से गाना गा रहे हैं और ये चैनल तो मानो 6 साल हो गया, 6 साल भी बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे, लेकिन तभी भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं और वीडियो भी मतलब जो आप जाकर चेक कर सकते हो इनका वो चैनल यूट्यूब चैनल इसी नाम से, साई फिल्म रमकोला के नाम से, इसी नाम से ना साई फिल्म रमकोला नाम से है, वैसे नाम से आदमी सर्च कर सकता है संगम प्रेम राजा, संगम प्रेम राजा उस पर आपका स्टोर शो और जो भी इनका गाना वाना है सारे कुछ देखने स्टेज शो के लिए अलग चैनल बनाया है ASPR स्टेज शो, संगम प्रेम राजा का ASPR कर दिया जो भी चैनल है मैं आपको लेकिन नाम से मिलेगा, नाम से कोई भी सर्चिंग आप करेंगे तो सबसे ज्यादा आनंद हम लोग को मंच पे ही आता है, ये नहीं कि कैसेट में गाए तो मजा आता है, ऐसा नहीं होता है, फीलिंग ज्यादा मंच पे रहता है। जब मंच पे आदमी गाता है तो एक चीज और है, जो पब्लिक होते हैं ना वे मतलब एंजॉय कर पाते हैं, तो वही बात कर रहे हैं ना, पब्लिक जब एंजॉय करता है साथ में ऐसा लगता है कि हमारे लोग हैं तो बहुत मजा आता है, मंच पे गाने में बहुत आनंद आता है। ये तो है, चलिए भैया आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और हमारे दर्शकों से यही मतलब निवेदन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। भैया का अगर चैनल चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हो अच्छे गाने का आते हैं, अपने क्षेत्र का इनको सपोर्ट कीजिए और गायकर से हीरो बनाने तक इनका सफ़र रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल में और मुकाम वे हासिल कर लेंगे जिस मुकाम की हम लोग आपसे अनुरोध कर रहे हैं। तो भैया मेरे चैनल के लिए अगर दो शब्द आप भी कुछ कहना चाहें जाते जाते तो कह सकते हैं, मेरे चैनल के लिए क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम भोजपुरी के माटी से बानी, हिंदी बतियावला में बड़ी तनी अटपट लागेला। हाँ हाँ ये तो है, तो हम चाहब कि रउआ सब लोग भाई के चैनल के, हमारे भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और जितना वीडियो है जब इंटरेस्टेड वीडियो है आप लोग तो देखिए जरूर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जैसे बात हम स्टारों को तो हर कोई सपोर्ट कर रहा है, इस क्षेत्र में बात यह है कि छोटे लोगों को नहीं उठाया जाता है, जो बड़ा है उसी को लोग पसंद करते हैं, तो भाई छोटे लोगों को भी आप लोग जगह दीजिए, बिनती बा हाथ जोड़ के कि हमारे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारे भी गीतों को आप लोग सुनिए। जब आप ही लोग के ऊपर हम लोगों का भरोसा टीका है, आप ही लोगों को सुनने और दिखाने के लिए हम लोग वीडियो शूट करते हैं, इतना दूर से ये लोग आके वीडियो आज शूट कर रहे हैं लोग, तो बस यही है हाँ आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा आप लोग का इंजॉय हो। तो हम चाहब कि रउआ सब लोग चैनल के सब्सक्राइब करी जा भाई के और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के शेयर करी जा कि हमरो बारे में हमारियो नाम थोड़ा सा चर्चित होके। सबके नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद।